18 साल से बड़ा व्यक्ति मर्जी से चुन सकता है धर्म। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतर रोकने से जुड़ी याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने काला जादू और जबरन धर्मांतर को नियंत्रण करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण से कहा, अनुच्छेद 32 के तहत यह किसी तरह की याचिका है, हम आप पर भारी जुर्माना लगाएंगे, आप अपने जोखिम पर बहस करें। पीठ ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी व्यक्ति को उसका धर्म चुनने की अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने शंकर नारायण से कहा कि संविधान में प्रचार शब्द को शामिल किए जाने से पीछे कारण है। इसके बाद शंकर नारायण ने याचिका वापस लेने और सरकार विविध आयोग के समक्ष प्रतिवेदन दायर करने की अनुमति मांगी। संविधान अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन पीठ ने विधि आयोग के समक्ष प्रतिवेदन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और कहा कि हम आपको ये इजाज़त नहीं दे सकते। अदालत ने वापस ली गई याचिका के रूप में इसका निस्तारण किया है। याचिकाकर्ताओं ने अर्जी में कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के लिए काला जादू के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। देश में हर हफ्ते यह सब हो रहा है जिसको रोकने के लिए कानून की ज़रूरत है। इसके लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो रहा है। याचिका में कहा गया कि ऐसे धर्मांतर के शिकार गरीब होते हैं, अधिकतर SC और ST श्रेणी के लोग होते हैं। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि काला जादू अंधविश्वास धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। इसमें कहा गया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने हर नागरिक की सुरक्षा करे।